सरकार हमारे बच्चों को सारी बत्ती कोर्ट में अटका के रख दी, क्यों रिजल्ट नहीं निकाल रही बच्चों का? 56 साल वाले बच्चों ने क्या गलती कर दी तो इनके रिजल्ट निकाले जा रहे? हर एक संघ आ जाते हैं, जहाँ भी सीएम जी आते हैं, साहब आते हैं, वहाँ अपने विज्ञापन वगैरह सौंपते हैं तो इनके बात नहीं की जाती। धक्के से पुलिस वाले भी इनको निकाल देते हैं बाहर रैलियों से, क्यों? क्या गलती हमारे बच्चों की? पॉलिसी लेकर आई थी सरकार, अगर ये नहीं कराना चाहती तो पॉलिसी क्यों लेकर आए थे? हमारे बच्चों की क्या गलती है? हमारी सरकार से, विभाग से, एजेंसी से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों को 23 तारीख से अच्छी से अच्छी पैरवी की जाए और सारी बच्चियों को कोर्ट से बाहर निकाले, अन्यथा हम वोट, भाई हमारे बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा तो हम वोट कैसे देंगे? हम गाँव में भी नहीं घुसने देंगे सरकार को। और क्या कहूँगी भाई, सारे बच्चे CAT में जा रहे हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। हम खड़े थे चीन में साथियों, एक बार आवाज दो, हम सब एक हैं, आवाज दो। मीडिया कर्मी और छायाकर साथियों से भी मैं अनुरोध करूंगा, आप न्यूज अच्छे से कवर करना साथियों, इन पीछे भी काफी स्ट्रेंथ खड़ी हुई है, जो साथी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी सुनना चाहिए। तो आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा साइड आ जाइए, रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है साथियों। इतना रुपया तो मारो भाई, आवाज गुड़ता है गड़चे, दोनों आठ आ दोनों आठ भाइयों के, जिसका हाथ उठाइए एक बार, ये बार मीडिया वाले साथी देख रहे हो भाई, एक बार देखिए बालक कितने बालक आ रहे हैं, मुंह बंद कर लो, बोलो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, एक मैं नारा लगाऊंगा, मारी भर्ती अपने गाड़ी पूरी करो, मारी भर्ती पूरी करो, मारी भर्ती पूरी करो, मैं तुम आप भर्तिया दे कोर्ट केस दूर करो, 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 भाई नुगा 56-57 की भर्ती डीजीपी वाला की भर्ती पूरी करो, भाई यार फायर ऑपरेटर की भर्ती पूरी करो, कहने का मतलब है भाई, भाई मैंने एक बात कही थी, देखो आप लोगों ने सबने बेरा भी होगा, सीएम साहब ने पहला जो एक सीएम है उनको ये कही थी, अब जी भर्ती कर दो भंडारा करवाओगे खट्टर साहब, सारे मीडिया के साथी आना, मैं ये बताना चाहूँ भाई हमारा किसी कोई पॉलिटिकल उससे कोई मतलब नहीं है, ना इन वर्का है किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब है, और ना ये नहीं सोचा भाई आम किसान राणा रहे जताना रहे हमारा कोई मतलब नहीं। मैं न्यू को हूँ सीएम साहब, ये फीलिंग गणेन्द्रनाथ चल रहे नहीं चलता रहा है, ये फिर वो नहीं आगरा फिर ये सैड फीलिंग हो जाएगी, सैड फीलिंग ये उसी फीलिंग ले रही होगी, तो भाई भंडारे क्या भरी थी फिर कहूँ मैं आज हमारे मुख्यमंत्री नायब तहसीलदार साहब ने, नायब सैनी साहब ने, नायब सैनी साहब बैठ मतलब भाई नायब तहसीलदार ज्यादा मुंह पाया कर इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, नायब सैनी साहब नाम फिर कर रहे हैं भंडारे का नियोक्ता, भंडारे का संभाल रहा है तरकित है, दिखा है दिखा, एक मिनट खोल दिया मैं क्या दिखाऊ हूँ, ये भाई भंडारे में घिया की सब्जी से ही होता है, घिया ठीक है ना, पेठा चाहिए पेठे की सब्जी बन रहे भाई, ठीक है भाई, अरे रुका मारो बोला ठीक है ना, जाइए भाई गोभी की सब्जी चाहिए गोभी की सब्जी बन रहे भाई, ठीक है भाई, ये अपने सारे फोन काट लो, इनकी वीडियो बना लो, काट लो सारे फोन काट लो अपने, अच्छा जा भाई बोल गए खीरा भी है भाई सलाद में, बैंगन भी है भाई, मान लो भाई टमाटर भी है, मान लो थोड़ी ज्यादा खटाई चाहिए था भंडारे में, आलू की सब्जी भी है भाई, और भाई मैं नौकरी लाग गया नहीं है तो देसी घी में बना नहीं सकते, तेल में बनाओगे भंडारा भाई, मैं नौकरी लाग रहे होते तो देसी घी में भर्ती पूरी कर दो, कती देसी घी में भंडारा इकट्ठा करके लाओगे, मैं इसका देसी गांव का कंपनी आला नहीं, तो भाई हम तो ये कह रहे हैं सरकार से ये अपील है, और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों से उन्होंने जुबान दी थी, एक बात क्या भाई, हम मुख्यमंत्री साहब ने रांडा की पेंशन बना दी, बहुत बढ़िया उनका धन्यवाद करें, लेकिन सारे रांडे थोड़ी राखने हैं, भर्ती करते हो गए पड़का ही आ रहा है, कितने आप हो रहा है किसा का भी नहीं हो रहा, अरे टूटा कितना का है, कितना का ब्याह हो रहा है, नाच जाओ एक बार मीडिया लाके नाच जाओ, अरे भाई जिनका हो रहा है उनकी छोटर ना हो रही, हमें बताऊं करते हैं भाई, हम तो यही बात कहें इन बड़का का बड़े दुख पा रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, बड़ा नु कह रहा आपकी चरासी लाग गई बड़का नौकरी हो जाएगी, समझो ना, तो इसलिए सारे अब बरात लेके निकले हैं, बहुत डिसिप्लिन तरीके थे, बहुत प्यार थे प्रेम थे, डांस जिसने करना है जैसा कर लियो,
मैं तो वो आ रहा हूँ भाई, वो प्रार्थना आगे ना क्या करना, चलो चलो आगे ना लो, थोड़े थोड़े आगे ना लो, थोड़े थोड़े आगे ना है। तो भाई मीडिया के साथी है, मैं इन सबका धन्यवाद करूँ, इतने गर्मी में और आप बेरोजगार है कि आप लोग आवाज उठा रहे हो, आप लोगों का एहसान हम तार नहीं पाओगे। और सारा ने भाई बहुत डिसिप्लिन बहुत तरीके से, क्योंकि कई आ रहे खराब करने वाले, मारा है हम बेरोजगारी का आलम किस तरफ से फैला हुआ है। जितने भी भाई यहाँ वहाँ बैठे हैं, कृपया करके बेरोजगारों की बारात के साथ जुड़े, बारात यहाँ से निकल चुकी है, आपका जुनून आपका हौसला देखने को मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके भी पेपर के लिए ग्रुप खत्म का आपको याद है।